इसलिए शुरू होनी। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंचे हैं? हम लोग पहुंचे हैं मकासान स्टेशन पे। मकासान से हम लोग जा रहे हैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, और वहाँ से हम लोगों ने क्या ट्रेन आ गई है, हमने जाना है, फ्लाइट लेनी है और जाना है चेन्नई। अगर आप सेल्फ चेक इन करना चाहते हैं तो सेल्फ चेक इन के लिए क्या है कि आपने अपना जाके सबसे पहले एग्जिट करके मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी इकोनॉमिक क्लास में या बिजनेस में दोनों के लिए इनका बुफेट अवेलेबल होता है? नहीं, बिजनेस क्लास के लिए नहीं, नहीं इकोनॉमिक के लिए भी होता है। फॉर एवरीवन डजंट मीन दैट फॉर बिजनेस। थैंक यू। सो मैं भी इकोनॉमी में ही सफर कर रहा हूँ, और आपको सबसे पहले कॉफी दी हुई, मेरे लिए चॉकलेट, तुम्हारे लिए चॉकलेट, एंड दिस वन इज थाई टी केक। ओके, ये क्या है? थाई टी केक, बहुत अच्छी चीज़ के थाई, और उसके बाद कर्नल पाए, ये एक ले लेते हैं। बाकी अंदर मैंने हटा के देखा, इतनी मोटी चीज है, लुक एट द फैट, ओ माय गॉश, मतलब फैट लाइक यू। इतनी कैलोरी अगर मैं खाऊंगा तो डेफिनेटली आई विल बी फैटी, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स सो, नॉट विल बी, यू आर, एम आई इकोनॉमिक क्लास। जी क्या हुआ है, गेट बंद हो गया था। ये देख मुस्लिम भी हो, तो ये रहा जी। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, रैप कर लेंगे ताकि हमारे कपड़े डर्टी ना हो। हम लोग चंगमाई एयरपोर्ट अभी पहुंच चुके हैं, और हम लोग क्या करने लगे हैं, बाहर से मोटर बाइक रेंटर लेने लगे। पहले हमारी फ्लाइट मिस होने लगी थी क्योंकि हम लोग खाने में इतने मगन हो गए थे। हमारे साथ एक जो बंदा है वो इतना खाई जा रहा और अपना मोबाइल में घुस गया, तो उसने हमें बताया नहीं, ये चीज हम उसकी इंग्लिश में नहीं बता सकते वरना वो हम पे गुस्सा हो जाए। ओके, टैक्सी आ गई है, तो हम लोग क्या करने लगे हैं, इस टैक्सी में बैठ के जाने लगे मोटर बाइक जहाँ से रेंटल लेनी है, फिर उसके बाद आगे। ओके जी, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ से मोटर बाइक हम लोग क्या करते हैं, रेंटल लेते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन सी मोटर बाइक अवेलेबल। See, they will not charge you extra. It doesn't mean that if you come three times, they will charge extra. One high surfing and two motorbikes. This one. इस वक्त हम लोग हैं चंगमाई में, जैसा कि हम लोग अभी भी एयरपोर्ट से निकले, उसके बाद हमने बाइक ली और नेशनल पार्क के लिए। तो इस पार्क का नाम है डोई डोई एंथनन एंथनन, काफी मतलब जबान को ट्विस्ट देने वाला वर्ड है। तो अभी इधर जैसे अडल्ट है, अडल्ट के लिए 300 पर पर्सन, और अगर बच्चा है, और साथ में आपको मोटर बाइक के लिए 20 देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग मोटर बाइक पे हैं, हम मोटर बाइक पे, अगर कार है तो फिर आपको 30 बार देना पड़ेगा। तो आप ये सारे जितने भी पैसे लिए जा रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि मतलब जैसे हम लोग मरीज से ऊपर जा रहे होते हैं तो टोल प्लाजा के लिए जाते हैं, लेकिन ये पार्क की एंट्री फी है। तो अभी क्या करते हैं, ये देखो, ये है सारे पैसे इस चीज के। अच्छा जी, तो अभी चंगमाई आए हुए थे, और चंगमाई में जैसे कि मेरे पार्टनर ने तुम्हें कहा कि एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, दंग रह जाओगे। वो चीज दिखी कहाँ है? तो फाइनली मैं नाइग्रा वाटरफॉल पे तो नहीं जा सका, लेकिन थाईलैंड के नाइग्रा वाटरफॉल में आ गया हूँ, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, और काफी ही अमेजिंग व्यू है। हाँ जी, इस वक्त में हम लोग चंगमाई में डैम एंथनॉन में, और मैं आपको अपने रूम का व्यू दिखाने लगा हूँ। वेरी क्विकली मुझे फॉलो करो। तो मुझे वो क्यों दिया गिम्बल? इसमें तो हिल रहा है बहुत।
तो ये है मेरा फोन, थर्टीन इस रूम नंबर, और जैसे ही मैं यहाँ ऊपर आऊंगा, मैंने वो नहीं दिखाया अभी तक, कम बैक साइड, अब इसको कम सो लुक एट दैट व्यू, चाचा के दरवाजे पे, ओ माय गुडनेस, एंड लुक द रूम, रूम दिखाओ भाई, रूम दिखाओ, रूम जो यहां से ओपन करना नीचे है, जो कैन यू टर्न ऑन लाइट और इनसाइड हैव बटन, ओके तो अभी मैं इसका इफ्तिताह करने लगा हूं, इसका लॉक खोलूंगा और ये देखो फुल फैन, छोटा सा लॉक लगा हुआ था और वो है हमारा व्यू, तो मैं यहीं से हीटर भी अंदर नहीं जाता, सो लुक एट दैट, तो नादिर हमने यहाँ क्या बनाया, अभी यहाँ पे हलाल फूड मिल नहीं रहा था, हाँ। हमने क्या किया, इसमें ये लोग पोर का हॉट पॉट बनाते होते हैं, यानी कि आपने इंटरनेट सेंसेशन फूड जो देखा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास चिकन या फिश का ऑप्शन नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने नूडल्स सामने से लिए, हमने पूछा था इनसे फिश का, हाँ, दे डोंट हैव, यू हैव अस, तो अभी हमने क्या करना है, फिर हमने इसी को ट्राई करना है, और हमारे एक शेफ है, उस शेफ ने ये तैयार किए हैं, लेट्स ट्राई हाउ इट्स लुक, नॉट इट्स लुक, हाउ इट टेस्ट, पक गया, तो हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, तब तक आप वीडियो को एंजॉय करें, तो अगर आप व्यू पॉइंट के पास आते हैं तो यहाँ पे काफी सारे फूड भी हैं पड़े, ये अंडे की टाइप है, पर नादिर ने पूरी कोशिश की थी कि हम व्यू पॉइंट मिस कर दें, बट अनफॉर्चुनेटली वे रीच ऑन टाइम, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली नहीं अनफॉर्चुनेटली, हम लोग क्यू व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं, जहां से हम लोग सनराइज देखेंगे और मून हमारा आता है घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि मून का नाश कर दिया, हम शेव करने लगे, और जहाँ जब किस्मत तो टूटू क्या करेगा, बॉम्बे का टूटू, क्योंकि जिस टूटी को मैं इस्तेमाल कर रहा था उसमें से पानी नहीं मुंह निकल रहा था, मैंने भी वही टूटी इस्तेमाल की थी, ये ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं की तुमने, अच्छा पर तुमने टाइम बहुत लगाया, हाँ ओके, तो हॉट मिल्क हमने ले लिए, मतलब माइलो ले लिए व्यू पॉइंट के लिए, हमने साथ में क्रोसन ऑर्डर किए और साथ में दो चिकन, व्हाट इज क्यू पान, हम लोग इस टाइम है क्यू में पान में और साइड में देखे क्यू में पान खड़े हैं, फॉरनर है ये, कोई मरी वरी नहीं लगा हुआ यहाँ का, तो सब लोग आए हुए हैं, वहां से हमने कॉफी पी है, कॉफी पीने के बाद ओ देखो ग्रुप ऑफ पीपल आए हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंड यू ऑल्सो एंजॉयिंग एज वेल, और इसके अलावा मैं भी यस वी आर एट मरी नॉट मोली, हम लोग मरी के पास खड़े हुए हैं, लेकिन इस मरी में काफी सारे फॉरनर आए हुए हैं, ओके तो हम लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं और मैं आपको कुछ लोग दिखाता हूँ ये देखें जी, आई होप कि हम लोग आज देख सकेंगे सन राइज, बट इट्स लुक लाइक कैन हा, बजाने किसी की, आर यू मैड, आर यू मैड, वाई यू कमिंग, वाई यू वांट टू ट्राई टू गो इनसाइड ऑफ माय मोबाइल, यस व्हाई यू क्रेजी, आई एम क्रेजी एंड यू आर क्रेजी टू, चलो जी
ये है असल में बेंचमार्क, जो कि हाईएस्ट पॉइंट को एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि जी ये सबसे ऊंची जगह है थाईलैंड की और इससे कोई ऊंची जगह नहीं है। जहां हम लोग खड़े थे वो भी ऊंची जगह थी लेकिन हमारी हाइट के बराबर। पर वो ऊंची जगह इसलिए थी, वो ऊंची जगह इसलिए थी क्योंकि इन पार्क वालों ने वहां पर मेंशन करना था कि ये हाईएस्ट जगह है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और इसके कुछ लोगों ने सिक्के इसके ऊपर डाले हैं, वो समझते हैं कि अगर इसमें पैसे डालेंगे तो कुछ मिलेगा, तो ये गुड लक है। बट साइंस चला गया, मर गया, सही है, सही से काम लो। नहीं वाह, क्या क्या, हमारे भी तो पीर मुरीद को मानते, पीर मुरीद को मानते हैं लेकिन ये तो कुछ अलग ही सिस्टम है। चलो चलो चलो, ओके इट्स ओके, बाय। तो यहाँ से बेस्ट व्यू दिख रहा है, ये जो यहाँ का दो पगोडा है यहाँ पे, और अमेजिंग व्यू है। और मैं मिस नहीं कराना चाहता कि ये क्लाउड आने लगे हैं और वो देखें, वहाँ पे देखें कि किस तरीके से जो खाली जगह थी उसको गैप फिल कर दिया गया है क्लाउड से, और उसके बाद क्या हो रहा है कि क्लाउड वहां से पास हो गया, कुदरती हो गए हैं, हम इतना ऊपर आ चुके हैं, हम इतना ऊपर आ चुके हैं, अब वो ऐसे लग रहा है कि नीचे, मतलब लुक एट दैट व्यू। गोवा में whiskey good quality open calm and this one dry fruit and go so good you don't laugh na sorry to yahan pe na inhone ek dozak ka concept kyunki inka bhi hai to inhone banaya hua hai ki aapne agar कोई बुरे काम किए हैं तो आपको डंडा डाला जाएगा और ये पूरी आग जली हुई है, ठीक है। अब यहाँ से उसको जा रहे हैं आग के ऊपर, उसको डाल दिया गया है, किसी की पेट में तीर डला हुआ है, किसी को, मतलब अलग अलग तरीके से ना उसको पनिशमेंट दी गई है। तो वो पनिशमेंट देने वाला कौन है, तो इनका जो गॉड सिस्टम है इन्होंने वो बनाया हुआ है, और ये जो आवाम है वो इनके ऊपर अजीब और गरीब किस्म के जानवर डाल दिए गए हैं, जिसने मुंह से गुनाह किया उसके मुंह में, जिसने जहां से किया मतलब उसको उस तरीके से सजा दी जा रही है। वो देखो, bring your bag, have to go, he already ready na, he ready to go, bring your bag, your room done, yes, bring bag, maine khola hi nahi hai, you not open your room, have inside something, kuch bhi nahi hai, go check na, sab rakha hi kuch nahi maine wahan, double check na, you sure na, yes, don't come to talk na, otherwise I shout na, luke patte।